ये है दिल्ली दर्पण। आप बोलते रह जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे। जो काम निगम को करना चाहिए था वो भाई बॉबी सहगल जी करा रहे हैं। इन्होंने वो काम किया है कि जो मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक अपनी एज में। कोरोना कम हुआ है, कोरोना का कहर कम हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का काम कम नहीं हुआ। लगातार सैनिटाइजेशन की बात हो, लोगों को अवेयर करने की बात हो, कोरोना के खिलाफ अभी भी बहुत से लोग हैं जो जंग छेड़े हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं बॉबी सहगल, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आते हैं। चाहे कहीं सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हों, कभी कोई जागरूकता अभियान हो। अभी यहाँ हम स्कूल में खड़े, राजकीय सर्वोदय विद्यालय में, यहाँ पर इनकी टीम ने ये फॉगिंग की है। और क्या आपने आज किया है यहाँ पर, और क्यों लगा कि स्कूल में अभी ज़रूरत है? अभी तो स्कूल खुल भी नहीं रहे। देखिए, स्कूल खुल तो नहीं रहे हैं, बट आज की डेट में दिल्ली सरकार का हो चाहे MCD का स्कूल कोई भी हो, उन सब के अंदर आज की डेट के अंदर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। और मच्छर, क्योंकि आपको पता है बरसात बहुत ज़्यादा हुई है कुछ दिनों में, लास्ट 4-5-6-7 दिन में, तो उस करके बरसात ज़्यादा होने करके मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल आप जितने भी देखेंगे, अच्छी प्लांटेशन हो रखी है वहाँ पर, मतलब कैरीज अच्छी बनी है, तो उसमें मच्छर आता है जी। तो आज हमने छुट्टी सर शाम का टाइम प्रिंसिपल साहब से आज्ञा लेकर, तो हमने कहा सर करना चाहते, कह रहे बहुत अच्छी बात है, करिए सर, हमें तो अच्छा लगेगा। तो बस आज पूरी टीम हमारी आज आई थी, तो हमने कहा आज स्कूल का, क्योंकि हम लोग मंदिर स्कूल हर पॉकेट में कर रहे हैं, हम 8-10 पॉकेट भी कर चुके हैं। तो हमारा आज लक्ष्य है कि रोहिणी की, अपने वार्ड 59 की एक एक पॉकेट करेंगे सर, कोई छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बाकी ये नहीं कि रोहिणी आप कहीं से आप हमें कॉल करिए, नंबर आपके पास है, हम जरूर करेंगे। MCD का काम है, MCD करते हुए नजर आती है क्या सर? MCD का कौन सा काम अभी तक आपको करते हुए दिखा है आपको? ये तो सर आप बहुत सीनियर हैं आप हमारे यहाँ पर आप सर देख लीजिए, आप कौन सा MCD का काम, ये सारे MCD का काम है जो आज हम कर रहे हैं अपना इसको, तो ये इनको करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। और लास्ट दिन में जब आएंगे, बस आपको फॉगिंग का एक ट्रक आएगा, ट्रक घूम के बस, जो ना घर में जाएगा ना कूद जाएगा, गलियों में घूमेगा, सड़कों पे धुआं करेगा और लोगों के मुंह में जाएगा, ख़त्म हो गया जी फॉगिंग। आप खुद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं कि आपके जो काम है वो सफिशिएंट नहीं है। अब सीज़न आने वाला है डेंगू मलेरिया, इस तरह का बरसात आने वाली है, इस काम में तेज़ी आना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए आपको प्रशासन पे, वो भी होता है क्या काम? सर होता है प्रेशर, अब बनाएंगे बिल्कुल। अब थोड़ा देखिए मैं आपको बताऊँ, हमें विश्वास उठ चुका है इन पर, आप प्रेशर बना लो, कुछ कर लो, दे विल नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करेंगे सर। आप बोलते रह जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग इनके भरोसे नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार के नाम से हम लोग प्रयास कर रखा है और हम लोग कर रहे हैं, CM साहब के, हम लोग चाहते हैं कि CM साहब का नाम रोशन हो, उनको दुनिया को दिखे कि हाँ भाई वाकई आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है। और आम आदमी पार्टी के साथ साथ हम लोग सारा अपने सक्रिय हैं सर, अच्छे से अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, कोई पॉकेट नहीं छोड़ेंगे, कोई पार्क नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ आप एक कॉल कीजिए, हमारे लड़के आपको, ये देखिए मेरी टीम पूरी, ऐसे 4 लड़के आएंगे, पूरी आपकी पॉकेट अच्छे से करके जाएंगे, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, पूरा दिनचर्या क्या रहती है आपकी? रोज़ सारे दिन लग रहे हैं, लगता है कि बस पूरी चुनावी मोड में है सर। चुनावी मूड तो देखिए अभी, मूड तो 3-4 महीने 6 महीने रह गए। मैं तो आपको पता है सर आज कितने टाइम से लगा हूँ, मेरा यही है सुबह 8 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक हॉस्पिटल, 2 घंटे घर पे नहा धो के खाना वाना खाया, उसके बाद ऑफिस में शाम को ही फॉगिंग का काम चल रहा है सर। बाकी जो आदेश हमारी पॉकेट का कोई काम का आएगा, हम हाथ में होना चाहिए, जरूर करके आते हैं उसको और करके आएंगे। ये आपको प्रॉमिस देता हूँ कि काम कोई रुकने नहीं देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है सर आपसे। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स मिलता है जब लोगों के बीच में जाते हो, आप सभी काम करते हो, MCD की शिकायतें भी करते हैं क्या? सब कुछ करते हैं सर रिस्पॉन्स। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, एक दिन के लिए सिर्फ आप अपनी जो सेक्टर 7-8 नाहरपुर के पार्क हैं, एक बार आप खुद जाके रिस्पॉन्स पता करिए, हमारी टीम के बारे में भी पता करिए और अपना MCD वालों के बारे में, आपको सारा दूध का दूध पानी के पानी within 5 मिनट्स में हो जाएगा सर। सिर्फ 50 बंदों से पूछ लीजिए और जेनुइन, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि जेनुइन इंटरव्यू हो, अच्छा लगेगा, 50 बंदों से पूछिए आप लोग, वो उसमें से कितने बंदे अच्छा बताते हैं, करें एक मिनट में सर हो जाएगा क्लियर आपको। आपका नारा नज़र आते हैं, आप हमें दे समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन, तो ये सब परिवर्तन और समर्थन के लिए भी हो रहा है? ये बिल्कुल उसी लिए हो रहा है सर। 2022 में हमारी तीनों MCD हमारे पास आएंगे, तीनों मेयर हमारे होंगे और ये हम लोग
जीत के सीएम साहब की झोली में डालेंगे और अपना आम आदमी पार्टी को अच्छे बोमों से विजय बनाएंगे और दिल्ली के लोगों को ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। दिल्ली सरकार हमारे पास है, एमसीडी हमारे पास हो जाएगी तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं है, दिल्ली खुशहाल बढ़िया काम हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ग्राउंड लेवल पर काम करना एमसीडी के लोगों का बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले एक एमसीडी काउंसलर ही जुड़ा होता है लोगों से, अगर वही काम नहीं करेगा वो सत्ता के नशे में मस्त हाथी हो जाएगा, तो वहाँ पर बदलाव चाहिए, नए लोग जवान लोग आगे आएं और वो जो है जनता से जुड़ के जनता की दुख दर्द में साथ खड़े हों और जनता के दुखों कष्टों को दूर करें। इस मामले में हमारे एरिए में बॉबी सहगल जी हमारे भाई जो हैं वो आज से नहीं पिछले 5 साल से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उसके सारे काम जैसे हेल्थ प्रॉब्लम में इन्होंने वो काम किया है कि जो मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक अपनी एज में, लोगों को ना दवाइयाँ ना ये मतलब इंसान है ना घर तक पहुँचा। आपको लग रहा है कि बस ऐसे लोग चुन के आने चाहिए? ऐसे लोग चुन के आने चाहिए ताकि बदलाव आए, क्योंकि बदलाव कैसे आएगा, बीजेपी तो चुन के तो आएंगे, चुनने से पहले टिकट की भी ज़रूरत है। टिकट की भी उस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते हम तो सर, लेकिन ये है कि अगर बॉबी सहगल जी को टिकट मिलता है तो पूरे एरिए की जनता पूरा सपोर्ट करेगी, ये जीतेंगे ताकि हमारे जीवन में ना बदलाव आए, क्योंकि मस्त हाथी की जगह अब जवान लोग चाहिए, मस्त हाथी होगी 20 साल के अंदर बीजेपी। हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए कुछ और लोग भी हैं, अपना नाम बताइए। शिव कुमार जिंदल। शिव कुमार जी, कैसी स्थिति रही कोरोना काल में और इसको रोकने के लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं आपके, चाहे विधायक हो चाहे काउंसलर हो, क्या उनकी भूमिका रही? ऐसा जी, जहाँ तक विधायक की बात है और काउंसलर की बात है, वो तो इन दिनों दिखाई नहीं देते, कोरोना काल आया और चला गया, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। ये तो एक समाजसेवी तौर पे जो मेहनत कर रहे हैं हमारे बॉबी सहगल जी हैं, उनको ही लोग अप्रोच भी करते हैं। तो कह रहे हैं हमने तो मास्क बांट रहे हैं, सैनिटाइज किया है पूरा, वो कोरोना काल के अंदर राशन किट बांटी है, मोदी किट बांटी है। कहने सुनने में तो बहुत कुछ है लेकिन करने में धरने में कुछ नहीं है, बात ये है। और बाकी तो सब आपके सामने है। अब जैसे 1 सितंबर से स्कूल खुलने वाले थे, बॉबी भाई के पास इस बात का समाचार गया कि भाई 1 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं, तो इन्होंने कहा भाई ठीक है फॉगिंग भी करवाओ, तो इन्होंने प्रिंसिपल साहब से इजाज़त ले करके सारे स्कूल को फॉगिंग करवाया। क्या कि 3-4 दिन पहले जो 1 सितंबर से जो होना है, आज 27 तारीख है, तो 3-4 दिन पहले जितने मच्छर वच्छर होंगे सब मारे जाएंगे। तो ये तो अपने कार्य पे तत्पर हैं और इनके पास कोई भी समाचार सामूहिक जो समाचार होता है उसके लिए तत्पर खड़े रहते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं लोग, इसीलिए चाहे निगम पार्षद हैं या नहीं है, कुछ है या नहीं है, लेकिन एक समाजसेवी के तौर पे इनका हम सहयोग ले लेते हैं। बोल, आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल 1 सितंबर से खुलने वाले हैं, जो कार्य निगम को करना चाहिए था, कि ये तो है नहीं कि इसकी सूचना निगम अधिकारियों के पास नहीं गई होगी। दिल्ली सरकार के जितने स्कूल हैं मोस्टली सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ तो इस चीज़ की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उस काम जो काम निगम को करना चाहिए था वो भाई बॉबी सहगल जी करा रहे हैं और ये बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पे इस कार्य को किया गया है। रही बात निगम की, तो निगम के विषय में तो कुछ ना कहें तो ही बेहतर है, आपको सब पता है उस विषय में निगम पार्षद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, तो कुछ बातें ना कह के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। और अगर निगम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, उनकी मेंटेलिटी इस प्रकार की है कि खुद स्टेप ना लेके और एक समाज सेवी के द्वारा स्टेप लिया जाए, तो इसमें तो बॉबी भाई की हम जितनी तारीफ करेंगे उतना अच्छा है। तो बिल्कुल, सुना आपने, बॉबी सहगल जी को समाज सेवी कह रहे हैं लेकिन सियासत से जुड़े शख्सियत भी हैं ये लोग, और 1 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में फोगिंग अभियान चला हुआ है और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हैं चाहे काउंसलर हैं, उन पर सवाल भी उठा रहे हैं कि इसकी तैयारियों में वो नज़र क्यों नहीं आते। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।